अज़ब्लिजी बसमल रिमा रिम्स अल्लाम आलकम दोस्तों दुआ करता हूँ सब बहन भाई मेरे तंदरुस्त होंगे और अल्लाह ताली के व ईमान में होंगे मेरे बुज़ुर्ग भी और मेरी माएँ भी इन श्ल्ला क्यों नहीं अल्लाह ताली के व ईमान में होंगे जैसा कि हमारा हर अमल पुख्ता अमजाया हुआ होता है ये अमल भी हमारा अमजाया हुआ और ये अमल दूसरी बात है मेरे मुसलमान भाइयों के लिए है बेलकसूस बेलकसूस पुख्ता और सुन्नत के मुताबिक है और जो अपने उस्ताद मोहतरम से मुझे नुस्ख़ा मिले और मैं उसको बताऊंगा कि उसको मैं पुख्ता और सुन्नत के मुताबिक कहता हूँ और दोस्तों बार बार कई दोस्त रिक्वेस्ट करते हैं हमें अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए दोस्तों वाट्सप नंबर पर भी अमल मैं आपको बताऊंगा जो मैं अपनी वीडियो में बताता हूं और जिसका टाइम टेबल हो उसका मैं टाइम टेबल बताता हूँ जिसका टाइम टेबल ना हो उसका मैं टाइम टेबल नहीं बताता हूँ वो चौबीस घंटे जिस वक्त मर्जी कर लें जिसका टाइम टेबल हो उसका मैं टाइम टेबल और दिन वार टाइम कर बताता हूँ लाजमी ठीक है दोस्तों इसी तरीक़े आज का हमारा तवीज़ का है नक्श बनाया गया है ठीक है मेरा ममूल है मेरा कोशिश होती है कि कम से कम टाइम में वीडियो में बना के आपकी खिदमत में आदर किया करूँ और एक दोस्त बेलखसूस को बेलकसू मैं उसको कमेंट्स में भी जवाब दिया है और इस वीडियो में बता रहा हूँ इन दुआ करूँगा आपकी हालात जल्द से जल्द ठीक हों और जिस मकसद के लिए मेरा अमल करेंगे इसका हदिया या तो मैं ख़ुद अपनी जेब से अदा कर देता हूँ ठीक है कोई अमल की जो मैं ना कर सकूँ मैं वीडियो में बताऊँगा जो ऐसी कोई वीडियो पाऊँगा जिसका हदिया मैं ना अदा कर सकता हूँ वो आपके वाज आप पर वाजब होगा वो मैं बता दिया करूँगा और मुझसे इजाज़त लेने के लिए सिर्फ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करिए ठीक है मेरी तरफ़ से आप लोगों को इजाज़त होती है और एक बात बताता चलूँ दोस्त अपना नंबर कमेंट्स में ना दिया करें क्यों दुनिया बहुत धोखेबाज है मैं यहाँ से नंबर लेके आपको से रता कर सकती है आपसे पैसे हड़प सकती है इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपना बार बार नंबर ना दिया करें जब मुझको इजाज़त मिल जाएगी आप लोगों को नंबर देने की मैं ख़ुद अपना नंबर आपको व्हाट्सअप दूँगा क्यों नहीं तब तक के लिए ज़रा ऐसे गुजारा करें क्यों तो हर चीज़ का टाइम और टेबल होता है मुझे अपने पीर से अपने मुर्शिद से अपने उस्ताद से इजाज़त अभी तक नहीं मिली जब मुझे इजाज़त मिली है आपके रूबरू होने की तो मैंने काम शुरू कर दिया ठीक है अब आपको मैं नक्श दिखाता हूँ वैसा बनाएं फिर इसके आगे मैं तरतीब आपको बताता हूँ कैसे करना है ये नोट कर लें ठीक है पाँव इस तरीके से लिखना हो जब स्क्रीनशॉट ले लिया करें और इसको बाद में फिर तैयार कर लेते हैं ठीक हो गया दोस्तों या नक्श इसका तरीकाकारी क्या है इसको आपने पानी में घोलना है ठीक है घोलने के बाद जो जो आपकी मशोक नहीं मानती उसको पिलाए मा, मानेगी और इसको उसके माँ बाप बहन भाई जिसको भी पिलाएंगे वो आपकी मुट्ठी में ऐसे बंद हो जाएगा ऐसे जैसे आप किसी चाय को से पकड़ लेते हैं बंद हो जाएगा और ये उसको पिला ना सकें फिर दोस्तों ये मुसलमान मेरी बहनें भी कर सकती हैं मेरे भाई भी कर सकते दोनों उसको पिला ना सकें तो फिर इसको आपने जलाकर और इसकी सुआ जो होती है अपनी तली पर रख कर ठीक है और उसके घर की तरफ़ मुंह कार कर सुआ को फूक मार के उड़ा देना है तब भी काम आपका हो जाएगा ठीक है दोस्तों ये हमारा आज का सुन्नत के मुताबिक अमल था ठीक है किसी नई वीडियो के साथ नए अमल के साथ फिर मिलेंगे तब के लिए हमें इजाज़त दीजिए अस्सलाम वालेकुम